Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhra, Madwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होशी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाँ फिर से क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं पूर्व छात्र संघ महामंत्री। शिवम जी, आज धरना प्रदर्शन या क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं ये धरना प्रदर्शन? जो हमारे महाविद्यालय में 5 छात्रों का निष्कासित हुआ है इसलिए है, और निष्कासित कहीं ना कहीं हुआ है कॉलेज प्रशासन ये रवैया दिखाए, मुझे अच्छा लगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें 1-2 छात्र ऐसे हैं जिनके भविष्य के साथ खेला गया है, जिनकी थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर का जो छात्र संघ अध्यक्ष, उनकी थर्ड ईयर, उनका 3 साल कैरियर यहाँ से बताइए खत्म होगा। तो कम से कम ये प्रचार और ये कॉलेज प्रशासन जो अपना हिटलर वाला रोप इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को दिखा रहे हैं, तो उसको कम से कम सुधारने की कोशिश करें। ये बिल्कुल न्याय संगत है, जो कि हम ये छात्र बिल्कुल छात्र संघ के पदाधिकारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किन आरोप के तहत हटाया गया छात्रों को? उन लोग का आरोप ये है कि कॉलेज में आए दिन कुछ पठन पाठन में बाधित करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो छात्र संघ अध्यक्ष और एक बीए फर्स्ट ईयर का छात्र जो भी है छात्र हैं, उनके ऊपर ना ऐसी कोई ऐसे महाविद्यालय में ना कोई ऐसे उनके ऊपर आरोप हैं और ना ही सरकारी चीज़ कोई ऐसे कोई धाराएं हैं। ये पहली वारदात थी, तो एक बार कॉलेज प्रशासन उनको निलंबित कर सकता था, उनको एक मौका दे सकता था, लेकिन वो लोग डायरेक्ट अपना हिटलर वाला रोप दिखा के उन लोग को डायरेक्ट महाविद्यालय से निष्कासित कर दिए। तो मैं इन लोग से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम उनके भविष्य को देखते हुए उनको कम से कम इस महाविद्यालय को निष्कासित हटाकर निलंबित करें और पेपर देने की कोशिश। निवेदन तो मिलकर भी कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन के निवेदन। हमने शनिवार को उनको एप्लीकेशन दिया था, आज 12 बजे मंडे को मैंने इनसे सर से रिपोर्ट मांगा था, हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिला, इसलिए हम धरने के लिए बाध्य हुए। ये बताइए, अभी नोटिस भी दी जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा? नोटिस ये हम लोग को 149 धारा है जो हमको नोटिस दिया है कि अगर कॉलेज में किसी भी हम सरकारी चीज़ को या शांति भंग करने का काम करेंगे तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हम बता दें, हम गांधीवादी विचारधाराओं के साथ अपने लड़ाई को लड़ेंगे और हम अपनी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा, मैं लड़ाई छात्र संघ की हितों की लड़ाई हम सभी छात्र लड़ते रहेंगे। शिवम जी, कॉलेज प्रशासन अनुशासन की बात करता है, तो अनुशासन कितना उचित है कॉलेज प्रशासन में, मानते हैं? अनुशासन कॉलेज प्रशासन के लिए उचित है, कुछ हद तक सही है, लेकिन अनुशासन हर चीज़ में दिखाए ना, सारा अनुशासन छात्रों पर मत दिखाए। पठन पाठन क्रिया अच्छी तरीके से हो रही है, जो आज कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर तुरंत एक्शन ले लिया गया, हिटलर वाला रूप दिखा दिया जा रहा है, तो कॉलेज के परिवर्तन में भी करें ना कि सारा छात्रों के ऊपर परिवर्तन कर देंगे। महाविद्यालय में ऐसी कई समस्याएं आ जाकर उस पर निष्कर्ष करें, उसका निवारण करें। क्या किया था उन लोगों ने कि निष्कासन करना पड़ा? निष्कासन कुछ आपसी झगड़े थे, और झगड़ा कुछ ऐसा नहीं था, आपसी में कुछ ऐसा ही कहा सुनी था जिसको लेकर, और कुछ लोग ऐसे थे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, हाँ ठीक है आपकी ये आपका ये रवैया जो आपने ये दिखाया मुझे अच्छा लगा, लेकिन कम से कम उन छात्र जो निर्दोष छात्र हैं, कम से कम उनको फिर से जांच कमेटी बैठा जाए, उनके साथ अन्याय किया जाए, ना कि अन्याय उनके भविष्य को देखते हुए। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8, call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. Sarthak Surgical Center, जहां अत्याधुनिक lithotripsy machine द्वारा गुर्दे की पत्रिका बिना operation के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण hospital. एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।